मध्य प्रदेश के सागर जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र के अटारी बेरखेरी गांव में हुए एक युवक के अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि अपहरण की कहानी है पूरी तरह से झूठी निकली है। आरोपियों ने गांव के लोगों को झूठे केस में फंसाने के उद्देश्य से अपहरण की झूठी साजिश रची थी, लेकिन शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो आरोपियों की पोल खुल गई। मामले में पुलिस ने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ने वाले 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार 10 जून की रात 12 बजे बलबीर पुत्र बबूज सिंह ठाकुर, चंदबान ठाकुर निवासी अटारी बेरखेरी और अन्य ने थाना गौरझामर पहुंचकर भाई रणवीर सिंह ठाकुर जो अटारी बेरखेरी के रहने वाले हैं उनके अपहरण की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि रणवीर के साथ उसके गांव के ही शिवराज गब्बर धर्मेंद्र ने मारपीट की और अपहरण कर लिया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तभी अनावेदक पक्ष थाने पहुंचा और अपहरण की घटना से इनकार किया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने खुलासा किया है और यह अपहरण की कहानी पूरी तरह से झूठी निकली है। हालांकि वहां के जो थाना प्रभारी हैं ब्रजमोहन कुशवाहा, वह क्या कहते हैं पहले उनको सुन लीजिए। दिनांक 10 तारीख को ग्राम अटारी बेरखेरी के बलबीर सिंह दाने द्वारा थाने पर एक आवेदन पत्र दिया गया था मेरे भाई के साथ मारपीट की और वे अगवा कर लिया गया। मामला संदिग्ध होने से हम लोगों ने जांच की गई तो ये इसमें आज रणवीर पिता बबू सिंह दांगी हमको दस्तयाब हुए और उनके कथन लिए गए। उन्होंने बताया कि मैं मेरे साथ गांव के शिवराज बग्गब्बर धर्मेंद्र ने मारपीट की थी और मुझे रेदा था, इस चक्कर में जंगल तरफ भाग गया था। ये आज इन लोगों को ड्यूटी रिपोर्ट करने के आरोप में थाना गौरझामर द्वारा बलवीर शुभम चंद्रवान सिंह और रणवीर सिंह को धारा 151 गिरफ्तार कर SDM को न्यायालय पेश किया गया है। वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर देवरी की SDOP पूजा शर्मा भी कहती हैं कि आरोपियों ने गांव के शिवराज गब्बर धर्मेंद्र जो अटारी बेरखेरी के रहने वाले हैं अपहरण के केस में उन्हें फंसाने के लिए अपहरण की झूठी कहानी रची थी। मामले में पुलिस ने आरोपियों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में भी उन्हें पेश कर दिया गया है। लेकिन यह गुरु जो अपहरण की कहानी थी जो एक गौरझामर इलाके में चर्चा का विषय बन गई थी, यह कहानी पूरी तरह से झूठी निकली है। गिरीश शर्मा, खबर एक्सप्रेस न्यूज, गौरझामर। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93।